तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी खराब टॉर्चेस या फिर इमरजेंसी लाइट पड़ी है? तो आपसे उनको फेंकना बंद करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक खराब टॉर्च से एक रिचार्जेबल टॉर्च। फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये उससे भी ज्यादा बहुत ही खतरनाक ब्राइटनेस से जलेगी, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही कमाल की होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर हमने अभी तक लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार, देख सकते हो मैंने ले लिए सबसे पहले तो एक खराब टॉर्च। जरूरी नहीं कि आप टॉर्च ही लो, आप इमरजेंसी लाइट वगैरह भी ले सकते हो, बस उसको मैं थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उस तरीके से ही इसको अपग्रेड करनी पड़ेगी। और देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें एक मतलब जो एक बटन भी लगा हुआ है, जो कि फ्रेंड्स ये पहले एक बार खराब हो गई थी तो उसमें मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें एक बटन लगा दिया है, पर ये वापस से अब खराब हो चुकी है। तो देख सकते हो, मैं एक बार इसकी आपको हालत दिखा देता हूँ अंदर से। तो ये देखिए, इसको कुछ इस तरीके से खोल रहा हूँ तो देखिए इसकी जो अंदर की है पत्ती है ये पूरी जंग में आ रखी है। मतलब फ्रेंड्स इसमें जो अर्थिंग, मतलब जो अगर आप इसमें सेल वगैरह भी डालोगे, बैटरी वगैरह भी डालोगे ना, तो इसमें करंट नहीं पहुंचेगा, इतनी मतलब इसमें जंग आ रखी है। देख सकते हो, मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ खोल के। तो ये देख सकते हो, उसके बटन खराब होने के चक्कर में इसकी जितनी भी पत्ती वगैरह, इसमें जितना भी कनेक्शन लग रखा था वो सब चीज़ खराब हो चुका है। और इसमें फ्रेंड्स जो ये LED लग रखी है ये भी बिल्कुल खराब है, और ये बिल्कुल बहुत ही मतलब धीरे चलती है। अगर आप इसको चलाओगे सही ना तो बहुत धीरे चलती है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसमें एक LED लग रखी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसको ही चेंज करेंगे। तो ये LED तो बहुत ही धीरे चलती है, बट मैं इसकी जगह यूज़ करूंगा, ये देख सकते हो ये है 3 वाट की एक LED, जो कि मुझे मार्केट में 10 रुपये की पड़ी। ये थोड़ी फ्रेंड्स महंगी मिलती है, लेकिन ये इसकी जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसको हम खोल लेते हैं और जुगाड़ लगाकर हमको इसको LED को लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसमें 2 स्क्रू है, इसको तो हमने खोल लिया है और देख सकते हो कुछ अंदर से कुछ इस तरीके की ये निकली है। अगर आप चाहो तो यही वाली LED लगाना चाहो तो ये ऐसी LED की बहुत ही स्ट्रिप मिलती है, आप सिंपली इसको मेल्ट कर इसकी शोल्डर को मेल्ट कर भी उसमें लगा सकते हो। पर अभी तो आप देख सकते हो इस LED को मैंने पूरी ही कटर की मदद से हटा दी है, इसको मैं पूरा ही क्लीन कर लूंगा और इसको सिंपली हम इसकी जो पत्ती है उसको हीटिंग प्लेट की तरह यूज़ करेंगे। देख सकते हो ये जो हमारी LED है 3 वाट की, ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी और जो दोनों पॉइंट है वो इस जगह शोल्ड हो जाएंगे। ये देख सकते हो ये 3 वाट की LED के साथ इस तरीके की ये हीट सिंक आती है, ये अलग से ली थी मैंने, ये कुछ इस तरीके से आती है, बट हम इसी को ही यूज़ करेंगे। देख सकते हो ये पीछे का इसका कुछ इस तरीके का स्टील का भी लगा हुआ है, इसको भी हम डीशोल्ड कर लेंगे और इसको सिंपली हमारी LED को इधर शोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसके जो पीछे के पॉइंट टर्मिनल है उसको भी आपको शोल्डिंग करके निकाल लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमको इसको लगाना पड़ेगा पीछे से। तो ये देखिए, जो इसका होल है पीछे वाला ये बहुत ही छोटा है, तो सिंपली हमको थोड़ा इसका उसमें मोटा होल करके इसमें सिंपली इसको लगा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने इसमें होल कर लिया और ये इसका जो होल है बिल्कुल परफेक्ट होल हुआ है। देख सकते हो बिल्कुल फिट, बिल्कुल ये फिट बैठा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से LED हमारी इसमें दिख रही है। आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, नहीं तो इसकी जो रोशनी है वो उल्टी इसके अंदर ट्यूब मतलब जो हमारी टॉर्च के अंदर है वो जाएगी। अब सिंपली हमने इसको जैसे खोला था वैसे इसको वापस से पैक कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, जो हमने इसमें स्टील की पत्ती थी उसको अब हम इस बार नहीं लगा रहे, क्योंकि जो हमारी LED है वो थोड़ी मोटी है तो ये जगह घेर रही है, इस चक्कर में हमने इसको डायरेक्ट ही लगा दिया। और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रही है हमारी LED लगी हुई, और ये काफ़ी बड़ी है उस वाली से। और देख सकते हो ये हमारे दोनों टर्मिनल होगा इसके प्लस माइनस के। अब सिंपली हम फ्रेंड्स टॉर्च पे आते हैं। ये देख सकते हो इसको सिंपली हमको करना क्या है, इसको सबसे पहले तो हमको इसको साफ करना है, मतलब इसके अंदर से। मैं एक बार उसको खोल के बताता हूँ, देख सकते हो ये पूरी जंग वगैरह आ रही है, तो इसको हमको पूरा ही अंदर से क्लीन कर लेना है। इसके जितना भी इसका ताम जाम है सबको निकाल देना और बटन बटन भी हटा देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो हमने टॉर्च तो क्लीन कर लिया है, मैं आपको बताता हूँ कि हमको सामान क्या क्या चाहिए होगा। तो देख सकते हो ये हमने सिंपली लिया है स्विच, और फ्रेंड्स ये लिया है हमने B-टाइप पिन। फ्रेंड्स ये आपको मार्केट में इजीली 10 रुपये की मिल जाएगी, आप इसमें C-टाइप भी ले सकते हो। और देख सकते हो उसके पीछे प्लस माइनस का टर्मिनल है। और देख सकते हो फ्रेंड्स सिंपली हमने लिया है चार्जिंग मॉड्यूल, ये आपको इजीली मार्केट में 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा। और देख सकते हो ये लिए हमने एक बैटरी, 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। अब सिंपली आप वीडियो में आगे बने रहिए, इसके सबके कनेक्शन में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने जो इसके लिए एक बटन के लिए भी इसमें होल कर लिया है, जो कि हमारा जो बटन है पहले ऊपर लगा होता है, अभी ये इजीली हमारा नीचे की साइड बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएगा। और अंदर देख सकते हो कुछ डिजाइन बनी हुई थी, उसको भी हमने बिल्कुल साफ कर लिया है ताकि जो हमारी बैटरी है वो इजीली इसके अंदर चली जाए। सिंपली हमने नाइफ गर्म कर कुछ इस तरीके से इसको पूरा ही क्लीन कर लिया है। सिंपली फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन हमको कैसे करने हैं। तो देख सकते हो ये सिंपली हमने सामान ले लिया है, और सिंपली देख सकते हो हमने सबसे पहले तो हमको पिन लेनी है। पिन के पीछे आपको
पॉजिटिव और नेगेटिव तार देखने को मिल जाएगा। जो बड़ा है वो पॉजिटिव और जो छोटा है वो नेगेटिव है। और सिंपली देख सकते हो ये हमने एक चार्जिंग मॉड्यूल लिया है जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। फ्रेंड्स ये आपको लगाना जरूरी है क्योंकि ये फुल चार्ज पर ब्लू लाइट शो करेगा और ये जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज रहेगी जब ये रेड लाइट शो करेगा। तो सिंपली फ्रेंड्स जो इसकी पिन है वो उसको हम इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कुछ इस तरीके से हमको इसमें पिन लगानी पड़ेगी। तो देख सकते हो आपको सिंपली पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव इसको शोल्ड कर लेना है। और फ्रेंड्स जो इसके पीछे के बैटरी वाले वायर है उसको भी आपको पीछे की साइड भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा है मॉड्यूल में, सिंपली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको शोल्ड कर लेना है। और सिंपली जो हमारी जो लाइट जलाने के लिए वायर है उसको सिंपली हम एक और जो हमारी बैटरी में से दो वायर निकाल लेंगे। ये देख सकते हो जो हमारी लाइट जलाने के वायर है उसमें सिंपली हम इधर दो वायर शोल्ड करके इसमें से निकाल लेंगे। और सिंपली हमारी जो बटन के लिए है इधर से हम जो भी दो वायर शोल्ड करेंगे उसमें से फ्रेंड्स सिंपली हम एक वायर कट करके हमारा ये बटन लगा लेंगे। कोई सा भी आप एक वायर कट करके बटन को लगा सकते हो। और फ्रेंड्स जो हमारी ये पिन है उसको हम जो ये हमारा पीछे वाला इसका हमारी जो टॉर्च का ढक्कन है उसमें सिंपली हम इसमें होल करके इसको लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सारे कनेक्शन में पहले कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे को सिंपली हमने इसमें दो वायर ये शोल्ड कर लिए है। सिंपली हमको करना क्या है, अब हमको इसके पूरे को इस तरीके से इसका जो वायर है वो बैटरी पर लपेट कर इसको अच्छी तरीके से इस पर टेपिंग कर देनी है। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारा कनेक्शन कर दिया है। अब आप सोचोगे कि हमने बैटरी तो दूसरी ली थी बट ये ग्रीन बैटरी कैसे होगी। फ्रेंड्स जो ब्लू बैटरी थी वो हमारी ख़राब थी इसलिए हमने इस बैटरी को चेंज कर दिया है। हमने इस बैटरी को रिप्लेस करके सेम वैसा ही कनेक्शन इसमें कर दिया है और सिंपली हमने वायर पे भी अच्छी तरीके से टेप कर दिया है और दो वायर निकाल दिए हमारी लाइट के लिए। तो सिंपली अब हमको करना क्या है, हमको सिंपली इसके अंदर ये पूरा जो सर्किट है हमारा इस तरीके से इसमें वायर डालकर और जो हमारा ये सेल है इस सेल को भी पूरा अंदर डाल देना है जो कि हमने इस टॉर्च में से क्लीन करा था, बिल्कुल जो इसकी डिज़ाइन वगैरह क्लीन करी थी। तो चलिए इसे भी हम डाल लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है, जो हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल था वो इसमें अच्छी तरीके से फिट बैठ नहीं रहा है। हमारा जो सेल है उसमें हमारा जो हमारी टॉर्च है उसमें एरिया बहुत कम होने के चक्कर में अंदर की साइड ये हमारी पिन है वो ऊपर ही रह रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये इतनी ऊपर रह रही है। जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है वो हमारे बैटरी के अंदर अड़ रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्पेस कम होने के चक्कर में इसमें ये दिक्कत हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हम बटन और लाइट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने सिंपली बटन वाली जगह में से एक वायर को ले लिया है, कोई से भी वायर को ले लेना है, सिंपली आपको उसको कट करके इसमें बटन शोल्ड कर देना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों हमारा जो बटन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब आपको तो दो वायर दिख रहे हैं उसको भी आपको शोल्ड कर देना है LED पे। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसका जो पिन का है कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगा लिया, हमने सिंपली पिन को इस तरीके से चिपका दिया है और जो होल में से उसमें से वायर निकाल के इस पर शोल्ड कर दिया है। और फ्रेंड्स हमारे साथ एक प्रॉब्लम और होगी, जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है वो भी ख़राब हो चुका है। अब आप पूछोगे क्यों। फ्रेंड्स जो ये पिन है उसमें जो हमको प्लस और माइनस लगाकर इसमें शोल्ड करना था वो हमने ढंग से नहीं करा, हमने गलती से प्लस की जगह नेगेटिव में लगा दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में लगा दिया। तो ये आप बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा। हमारे से फ्रेंड्स गलती से हुआ है, अब हमारा जो ये मॉड्यूल है ख़राब है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कनेक्शन उल्टा कर दोगे तो मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसको चलाकर बताता हूँ। देख सकते हो ये सिंपली हमने पिन ले ली है, मतलब जो चार्जिंग की केबल है वो ले लिया है, सिंपली इसको कुछ इस तरीके से इसमें लगा लिया है और देख सकते हो हमारे को मॉड्यूल में कोई सी भी लाइट शो नहीं कर रही है। नहीं तो फ्रेंड्स अगर ये रेड लाइट शो करती, अगर ये चालू होता था और जैसे फुल चार्ज होता वैसे ये ब्लू लाइट शो करती, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स ये मॉड्यूल बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी बैटरी को चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास दूसरा मॉड्यूल भी नहीं है कि मैं इसमें लगा दूँ। वैसे तो मैंने आपको इसके कनेक्शन बता ही दिए, आप इसमें कर ही लोगे कनेक्शन। तो देख सकते हो फ्रेंड्स जो हमारी टॉर्च है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से जल रही है। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी ब्राइटनेस है जो चल रही है, मतलब जो पहले के मुकाबले ये काफ़ी तेज जल रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्राइटनेस दूर तक जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारा मॉड्यूल खराब है, मतलब मॉड्यूल खराब हो चुका है, तो ये बैटरी भी अभी फुल चार्ज नहीं है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स अब मैं इसमें अंधेरे में लिया हूँ, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से इसकी रोशनी है जो हमारे रूम में फैल रही है।
फ्रेंड्स, जो हमने इसमें LED लगाई है वो हमारी LED है 3 वाट की, और जो हमारा सेल है, मतलब जो हमने इसमें बैटरी यूज़ करी है वो है 3.7 वोल्ट की। तो आप इसमें अगर आप चाहो तो एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो या फिर एक डायोड भी का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे जो हमारा LED है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज होती तो ये और भी बहुत ही बढ़िया रोशनी देती। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ख़राब टॉर्च या फिर इमरजेंसी लाइट पड़ी हो तो आप उसको कुछ इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।